जाते हैं। साउंड आ रही है आपको स्टूडेंट्स? नोट 4 3 नोट 3 कहाँ गया? हाँ नोट 3 इसमें। नोट 3 तो था पहले, ये रहा, इसके नीचे छुप गया था। कपिल जी फैन बंद कर देना ना। नहीं, 8 बजे था शिखर 1 2 3 वाला, उसमें था प्रोजेक्टाइल मोशन का अगला लेक्चर, है ना? अभी है वेक्टर का, ये जो पुराना वाला एक चल रहा है शिखर 4, उसका लेक्चर, वेक्टर, ठीक है? तीसरा लेक्चर है शायद इसका। अच्छा, चैट इधर आ जाएगी ना साइड में, उसको साइड में कर देते हैं। बेटा मेरी आवाज आ रही तो यस लिख दो एक बार फटाफट। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, जल्दी से ज्वाइन करो। चलो हम क्या कर रहे थे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट हमने खत्म किया था, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ रहे थे, यस और नो? और फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया था कि किसी भी सरफेस का एरिया निकालने के काम आता है, ऐसा बताया था मैंने, याद है? याद है या नहीं बेटा? ठीक है, चलो। तो और एक और चीज बेटा, जैसे गुरुकुल वाले बच्चे हैं कुछ, इसमें परेशान ना हो, 3 दिन और टाइम दे दो, आप बराबर आ जाओगे और उसके बाद आप बढ़िया से फिर नया कुछ देखोगे, ठीक है? चिंता ना करो, अभी भी नया ही देखोगे। तो हमने क्या देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट इज यूज टू फाइंड आउट सरफेस एरिया, ठीक है, या सरफेस एरिया वेक्टर, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी भी है, स्केलर क्वांटिटी भी है। फिजिक्स में ज्यादातर हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी जैसा ही पढ़ेंगे, ठीक है? अब सुनो भाई, जरा ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, या चलो एक और चीज देखते हैं। मान लो हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये हमारे पास ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए, ये बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड बी, और इनके बीच में एंगल थीटा। मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो मैं क्या करता हूं बेटा, देखो एक मिनट। अगर हम 9/10 वाला मेथड यूज करें जो हमने पढ़ा हुआ है, स्केलर एरिया निकालना या एरिया का मैग्नीट्यूड निकालना, तो ये एच होता था। तो एरिया आपने जो पढ़ा हुआ है 9/10 में, दैट इज हाफ बेस इंटू व्हाट, हाइट, यस और नो? अगर यस है तो वाई लिख दो बेटा फटाफट, ठीक है? अब एक चीज और,
अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं, ये जो ये ट्राइंगल है देखो, ये और ये, तो इसमें आपको दिख रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप क्या लिख सकते हो एच को, बी साइन थीटा, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बताओ भाई, यस और नो? यस और नो बेटा? ठीक है, अब अगर मैं एरिया वेक्टर निकालना चाहूं तो मैं क्या करता हूं, हाफ ए क्रॉस बी। अब एक बात बताओ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा कि नहीं आएगा? अब लेकिन इस एरिया का डायरेक्शन कैसा हो गया, ए क्रॉस बी, किधर? बाहर की तरफ। तो क्या आ गया, ये डॉट आ गया कि नहीं आ गया? कैसा आ गया, डॉट आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? वेक्टर क्वांटिटी हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, अब जरा देखो बेटा, अब इसके बाद इतनी बात हो गई बेटा ध्रुव, मैंने कहा मैंने एक ट्राइंगल लिया, उसकी ये साइड ए ये बी, परपेंडिकुलर ड्रॉप करा एच, तो एरिया इज हाफ ए इंटू एच। और अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, साइन थीटा को मैं एच अपॉन बी लिख सकता हूं, तो एच की वैल्यू मैंने क्या रख दी, बी साइन थीटा, ये एरिया आ गया स्केलर टर्म में ध्रुव। और अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इसी के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ ध्रुव, ध्रुव एंड सावन गोस्वामी, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ध्रुव एंड सावन गोस्वामी, मेरी बात क्लियर है? साइना बेटा, मैंने उस दिन भी कहा था एरिया इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, एरिया दोनों है, स्केलर भी है एज वेल एज वेक्टर भी है ध्रुव। और साइना, साइना मैंने उस दिन भी कहा था कि हाउ बेटा, जब अब देखो, अब ऐसे तो फिर आप हाउ कह रहे हो तो फिर आप नया पढ़ने जा रहे हो ना, ठीक है, हाउ नहीं, एरिया को जब आप किसी के साथ ट्रीट करोगे, किसी और वेक्टर क्वांटिटी के साथ, अगर एरिया का इंटरेक्शन, एरिया इंटरैक्ट्स विद, कहीं जरूरत पड़ी आगे चल के, इंटरैक्ट्स विद क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, अगर एरिया इंटरैक्ट्स विद वेक्टर क्वांटिटी, तब क्या करोगे, तब एरिया को स्केलर लेके चलोगे क्या? साइना, साइना जल्दी बता, तब एरिया को क्या बनाना पड़ेगा, वेक्टर ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है, इतनी बात। इसलिए एरिया दोनों टाइप की क्वांटिटी, स्केलर एज वेल एज वेक्टर, क्लियर है? ठीक है, चलो अब इतनी बात हो गई हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट भी हो गया, डॉट प्रोडक्ट भी हो गया। अब हम मेन काम पे आते हैं, ठीक है, नोट कर लिया सबने? अगर नोट कर लिया तो यस लिख दो फटाफट, नोट कर लिया तो यस लिख दिया, लिख दो फटाफट। तनिष नोट करो फटाफट, सावन नोट करो, नोट करो बेटा, छोटा सा तो है। जल्दी नोट करो, ठीक है, हो गया नोट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या, देखो आपके पास एक ये वेक्टर है, सपोज समझ लो पहले, ये एक वेक्टर ए है, इसको आपको क्या करना है, इस वाली लाइन के अलोंग, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, इसके अलोंग इसका प्रोजेक्शन लेंथ लेना है और उसको वेक्टर बनाना है। मतलब इस ए वेक्टर का ग्रीन वाले के अलोंग क्या लोगे, प्रोजेक्शन लेंथ। प्रोजेक्शन लेंथ लेने का तरीका क्या था, यहां से क्या ड्रॉप करो इस पे, परपेंडिकुलर, यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने, यहां से क्या ड्रॉप करोगे, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाता था, ये हिस्सा हो जाता था प्रोजेक्शन लेंथ, ये हो जाता था हमारा प्रोजेक्शन लेंथ, ठीक है, इतनी बात। और इस पे अगर आप एरो बना दो, एरो दे दो डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाता था, नाउ
अब ये वेक्टर बन जाता था कि नहीं बन जाता था, ऐसा हमने डॉट प्रोडक्ट में करा था कि नहीं करा था? अगर ये बात याद है तो यस लिखो फटाफट। ठीक है, तो अब एक चीज और देखो बेटा, इस वेक्टर का आपने प्रोजेक्शन लिया ग्रीन पे और उसको वेक्टर बनाया, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस रेड वाले पे भी ले सकते हो। ठीक है, इतनी बात, रेड वाले पे भी लिया जा सकता है, येलो वाले पे भी लिया जा सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ये डायरेक्शंस हैं जिसमें आप क्या ले सकते हो, प्रोजेक्शन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, जल्दी बोलो। आप ए वेक्टर का प्रोजेक्शन आपने ग्रीन पे लिया, येलो पे भी ले सकते हो, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके रेड पे भी ले सकते हो, यस और नो? यस और नो? ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन have projection vector of given vector, मतलब हम projection vector निकाल सकते हैं किसी given vector का, we can have projection vector of given vector in infinite many possible directions. आप एक बात बताओ, ये जो मेरा ए वेक्टर है इसका मैंने ग्रीन के ऊपर प्रोजेक्शन वेक्टर लिया, लिया कि नहीं लिया? मैंने क्या कहा, ये जो मेरे पास ए वाला वेक्टर है इसका मैंने प्रोजेक्शन किस पे लिया, ग्रीन पे लिया, यस और नो? रेड पे भी ले सकता हूं, येलो पे भी ले सकता हूं, किसी पे भी ले सकता हूं, हाँ या ना? तिशा आवाज आ रही है? तो इसका मतलब मैं किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर इनफाइनाइट मेनी डायरेक्शंस में ले सकता हूं, यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, बढ़िया। अब आप मजेदार बात देखो। हाँ मुस्कान, क्या डाउट है? सावन, क्या डाउट है? डाउट बता बेटा, बेटा डाउट बताओ फटाफट। मैंने कहा मैंने इस ए वाले का प्रोजेक्शन ग्रीन पे लिया, येलो पे भी ले सकता हूं, रेड पे भी ले सकता हूं, ऐसी बहुत सारे बना सकता हूं। हाँ मतलब क्या है, किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है किसी दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट भी ले सकते हैं बेटा, अक्षत अपोजिट भी ले सकते हैं। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मेरी बात सुनो, तो प्रोजेक्शन निकालने से पहले, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करने से पहले या प्रोजेक्शन निकालने से पहले मैं एक चीज पढ़ाना चाहूंगा आपको, वो देखते हैं पहले। आप ऐसे देखो, हमारे पास अगर हम अपने स्पेस की बात करें बेटा, स्पेस की बात करें तो स्पेस हमारे पास थ्री डायमेंशन होता है। कैसा होता है? थ्री डायमेंशन होता है। ठीक है, स्पेस की बात करें तो स्पेस थ्री डायमेंशन होता है। ठीक है, दो तरीके से देखो, एक तो आपका अगर मोशन होता है पार्टिकल का, तो मोशन या तो स्ट्रेट लाइन पे होगा, इसको वन डायमेंशन कहते हैं, इसको वन डायमेंशन कहेंगे। ठीक है, इतनी बात, सीधी लाइन पे चलना, या मोशन एक प्लेन पे हो, इस बोर्ड पे कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है, तो बोर्ड को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ये एक्स एक्सिस और ये क्या वाई एक्सिस, दिस इज व्हाट 2D और प्लेन, हाँ या ना? इसको 2D या क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। ठीक है, इतनी बात। इसी तरीके से अगर आप मान लो चिड़िया उड़ रही है, तो हवा में जब उड़ रही है तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर सकते हैं, एक्स भी चेंज कर सकता है, वाई भी चेंज। भाई आप ऐसे देखो, मैं ऐसे बनाता हूं, देखो मैंने बनाया। ठीक है, इतनी बात, ये हमारा एक्स एक्सिस है सपोज, ये हमारा वाई और ये जेड। अब चिड़िया यहाँ कहीं बीच में उड़ रही है, बीच में उड़ रही है, तो इसका एक्स भी बदल रहा है, वाई भी बदल रहा है और जेड भी बदल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, थ्री डायमेंशन, हाँ 3D मोशन, यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ, अगर ये बात क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब
इतनी बात हो गई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास मोशन 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, 3D हो सकता है, ठीक है, इतनी बात। तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है तो उसका जब हम प्रोजेक्शन लेंगे तो या तो 2D पे लेंगे या 3D पे लेंगे, ठीक है, इतनी बात। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये नोट करने की जरूरत नहीं है, हमें जब भी प्रोजेक्शन लेना है वेक्टर का, फॉर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इट इज टेकन, इट इज टेकन ऑन प्लेन और इन थ्री डायमेंशन स्पेस, या तो प्लेन पे या थ्री डायमेंशन स्पेस पे। ये बात क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट। अभी मैंने प्रोजेक्शन बताया नहीं आपको, सिर्फ बता रहा हूं कि हमें किसी भी वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन लेना है, पढ़ना है, तो या तो प्लेन पे पढ़ेंगे या 3D स्पेस में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, फॉर प्रोजेक्शन वेक्टर इट इज टेकन ऑन प्लेन, प्लेन मतलब टू डायमेंशन, और इन 3D स्पेस, थ्री डायमेंशन, ठीक है। दो टाइप के प्रोजेक्शन में पढ़ने हैं। उससे पहले हम कुछ पढ़ना चाहेंगे, देखो एक मिनट क्या पढ़ना चाहेंगे, ध्यान समझो। अगर मेरे पास प्लेन है, क्या है, प्लेन, ये हमारे पास प्लेन है, मतलब तो जो भी पार्टिकल चलेगा बोर्ड पे चलेगा, बोर्ड के अलावा इधर उधर कहीं भी नहीं चलेगा, ठीक है, इतनी बात। ईशा इट कहाँ लिखा मैंने, तुम कैसे बच्चे हो यार, तुम लोगों को इट क्या दिख रहा है, क्या इट है जरा बताना मुझे, क्या चीज इट आ रही है ये समझाओ मुझे जरा, क्या है इट। फॉर प्रोजेक्शन वेक्टर फुल स्टॉप इट इज टेकन ऑन प्लेन, प्रोजेक्शन वेक्टर या तो प्लेन पे लिया जाता है या 3D स्पेस में। बच्चों बात समझ में आ रही है भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब प्लेन है यानी कि बोर्ड है, तो बोर्ड को मैं एक्स वाई एक्सिस से चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकता हूं कि नहीं, पहले बताओ मुझे, बोर्ड को मैं एक्स वाई एक्सिस से चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकता हूं कि नहीं, जल्दी बता दो। अगर मैं वाई जेड करूं तो भी कर सकता हूं कि नहीं, अगर बोर्ड को मैं वाई जेड एक्सिस से डिवाइड करूं तो भी कर सकता हूं, एक्स जेड से करूं तो भी कर सकता हूं, कर सकता हूं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब कुछ लिखना नहीं, पहले सुन लो, सुन लो पहले। इधर की तरफ एक डायरेक्शन है विच इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इधर की तरफ ये क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मालूम है ये बात, और इधर क्या है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो हमने क्या करा, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाती है, तो मैंने क्या कहा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को मैंने सिंबल दे दिया आई कैप, क्या दे दिया, आई कैप, ठीक है। तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को क्या दूंगा, माइनस आई कैप दूंगा कि नहीं दूंगा, पहले बताओ मुझे, यस ओ नो, अगर ये बात क्लियर है तो यस लिख दो। मैंने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को सिंबल दिया आई कैप, नेगेटिव एक्स को क्या दिया, माइनस आई कैप, बिल्कुल उसके अपोजिट, तो माइनस आई कैप देंगे। अब मेरी बात सुनो, ध्यान सुनना, अगर मैं यहां पर ऐसे करके ये 3 units की येलो कलर की लेंथ ले रहा हूं और इसको एरो मैंने ऐसे दिया, अब एक बात बताओ ये वेक्टर है कि नहीं, येलो कलर वाला ये वेक्टर है या नहीं, जल्दी बताओ, है वेक्टर, और ये वेक्टर है कितना, दिस इज अगर ए वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड 3 और डायरेक्शन आई कैप, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, देखो मैग्नीट्यूड 3 है
और थ्री आई कैप, ऐसा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इज व्हाट? वेक्टर, यस ओ नो? यस ओ नो? ठीक है, अगर मैं ऐसे करके पिंक कलर से ऐसे लेता हूं, ठीक है, इतनी बात, और ये मान लो कितना है, टू यूनिट, और इसको एरो मैंने ऐसे दे दिया, अब इसको क्या लिखूंगा? अगर ये बी वेक्टर है, माइनस टू आई कैप, बेटा माइनस टू नहीं लिखेंगे, माइनस टू आई कैप, यस ओ नो? यस ओ नो? ठीक, क्लियर है। अब ये एक्स एक्सिस पे कैसे वेक्टर दिखाना है, ये हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अगर पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में तो उसकी लेंथ इंटू आई कैप, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में उसकी लेंथ इंटू माइनस आई कैप, यस ओ नो? ठीक है भाई। अब इसी तरीके से वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मैंने जे कैप ले लिया, तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में क्या लूंगा? माइनस जे कैप, मानते हो या नहीं मानते हो? नाम दे दिया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के वेक्टर को क्या नाम दे दिया, क्या कहते हैं? जे कैप। और नेगेटिव वाई को क्या दे दिया? माइनस जे कैप, यस ओ नो? ठीक है भाई। तो अगर मैं पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में थ्री यूनिट लेता हूं तो थ्री जे कैप लिखूंगा, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में अगर मैं फाइव यूनिट लेता हूं तो क्या लिखूंगा? माइनस फाइव जे कैप। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं बताऊं आपको, मैं बोलूं कि जेड डायरेक्शन है, क्या हमारे पास जेड डायरेक्शन, सपोज ये जेड डायरेक्शन है, ठीक है, इतनी बात, इधर सॉरी, इधर पॉजिटिव जेड और इधर नेगेटिव जेड, ठीक है, तो इसको मैंने सिंबल दे दिया प्लस के कैप और इसको क्या दे दिया? माइनस के कैप। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है भाई? ये मैंने सिंबल्स दे दिए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट भाई? है किसी को डाउट? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब नहीं बेटा, 2D प्लेन पे नहीं बना सकते हरसिमरन, बना ही नहीं सकते आप, ठीक है, वो तो मैंने आपको अलग से इसीलिए बना के दिखाया कि अलग है, 3D में है, ठीक है, इतनी बात। हरसिमरन, दिस इज नॉट इन दिस प्लेन, वो बाहर की तरफ होगा कहीं, क्लियर है। लेकिन अब बाहर की तरफ मैं कैसे दिखा दूं? दिखेगा तुम्हें? दिखेगा भाई हरसिमरन? नहीं दिखेगा, ठीक है, चलो अब इतनी बात हो गई। अब थोड़ा सा और बातें करते हैं। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप है, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के कैप है, ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनो, आप पहले ध्यान सुनना। अगर आपके पास ए वेक्टर है, क्या है? ए वेक्टर, तो एक बात बताओ, ए डॉट ए किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ, ए डॉट ए किसके बराबर होगा? मतलब सेम वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? इस ए का मैग्नीट्यूड ए, इस वाले ए का भी ए, और दोनों के बीच में एंगल कितना, दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों ए वेक्टर हैं, कितना एंगल है बेटा? जीरो। तो क्या आ जाएगा? कॉस जीरो। तो ए डॉट ए विल बी ए स्क्वायर, मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं मानते हो भाई? हाँ या ना? पक्का सबको क्लियर है? जितने बच्चे हैं सबको क्लियर है कि नहीं? ठीक है, दिस वुड बी ए स्क्वायर। अब रुको एक मिनट, अगर मैं आपसे कहता हूं ए कैप डॉट ए कैप, तो ये किसके बराबर आएगा? तिशा, ए डॉट ए, इस वाले ए का मैग्नीट्यूड ए, इस वाले ए का ए, और दोनों सेम वेक्टर हैं, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा? जीरो होगा। तो कॉस जीरो, कॉस जीरो वन होता है, तो ए इंटू ए क्या हो गया? ए स्क्वायर। तिशा, तिशा बात समझ में आ गई? तिशा बात समझ में आ गई? अब ए कैप डॉट ए कैप, अब ये दोनों अगेन सेम वेक्टर हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर हैं, तो पहले ए कैप का मैग्नीट्यूड वन, दूसरे का भी वन, और दोनों के बीच में एंगल जीरो, तो कॉस जीरो। तो ए कैप डॉट ए कैप क्या आया? वन इंटू वन इंटू वन, इट मीन्स वॉट? वन, यस ओ नो? यस ओ नो? हाँ या ना?
आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ, सबको क्लियर है बात? ठीक है, अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता ए क्रॉस ए सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या आता? इस वाले ए का मैग्नीट्यूड ए, इस वाले ए का ए, साइन जीरो इंटू पी कैप, मान लो वेक्टर की डायरेक्शन पी कैप आ रही है, लेकिन साइन जीरो जीरो होता है, तो ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एच पी ए स्क्वायर नहीं आएगा। ए क्रॉस ए, ए का मैग्नीट्यूड ए, दूसरे ए का भी ए, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है, और एंगल दोनों के बीच में क्या है? जीरो है। तो साइन जीरो क्या होता है बेटा? जीरो होता है कि नहीं होता है? एच पी भाई कौन है? अरे एच पी अपने नाम से आया करो बेटा। पहले तो एक बात ध्यान रखो कि आप अपना नाम प्रॉपर एंटर करके ही मीटिंग में आया करो। क्लियर है? ठीक है, अब सुनो, अगली बार से सब लोग अपने प्रॉपर नाम से आएंगे, और जो नाम से नहीं होगा उसको मैं रिमूव कर दूंगा ग्रुप से, ये ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक ए क्रॉस ए क्या आ गया? जीरो आ गया। यस ओ नो? अब मैं आपसे कहूं ए कैप क्रॉस ए कैप, तो इस वाले ए का मैग्नीट्यूड वन, इस वाले ए कैप का वन, साइन जीरो, तो साइन जीरो जीरो होता, तो ये भी जीरो आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ। मतलब सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, और सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है भाई, अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं। अब आप देखो, अब मैं आपसे कहता हूं आई डॉट आई कितना आएगा बेटा? आई कैप डॉट आई कैप कितना आएगा? जल्दी बोलो, अब आप लोगों को बोलना है, आपकी बारी है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कुछ लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई डॉट आई क्या आएगा? वन आएगा। अरे के क्यों आएगा मुस्कान? डॉट प्रोडक्ट है, इस आई का वन मैग्नीट्यूड, इस आई का वन मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में एंगल जीरो है, तो कॉस जीरो इज वॉट वन, तीन वन का प्रोडक्ट कितना आ गया? वन। स्केलर क्वांटिटी आनी चाहिए, के तो आना ही नहीं चाहिए। मुस्कान, मुस्कान बेटा, मुस्कान बच्चे, सनन आई कैप नहीं आएगा, वन आएगा। ठीक है, अब जे कैप डॉट जे कैप ये भी कितना आएगा? वन आएगा। मानते हो या नहीं मानते हो? बिल्कुल सही। के कैप डॉट के कैप ये भी क्या आएगा? वन आएगा। हाँ या ना? सबको बात क्लियर है तो यस लिख दो, एक बार वाई लिख दो अगर इतनी बात क्लियर है। कोई भी जिसको भी डाउट हो डी लिख देना भाई, किसी को डाउट नहीं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब एक चीज और कर रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलता आई डॉट जे ये कितना आएगा बेटा? आई डॉट जे कितना आएगा? आई डॉट जे बिल्कुल सही बात है। देखो कुछ लोग जीरो लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। आई का मैग्नीट्यूड वन, जे का मैग्नीट्यूड वन, और आई और जे के बीच में एंगल 90 होता है, तो कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है? जीरो होता है। तो आई डॉट जे क्या हो गया बेटा? क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90, तो कॉस 90 क्या होता है? जीरो। ठीक है, जे डॉट के कितना आएगा बेटा? जे डॉट के कितना आएगा? ये भी जीरो आएगा, क्योंकि जे और के बीच में एंगल 90 है। ठीक है, इतनी बात। के डॉट आई ये भी कितना आएगा? जीरो आएगा। यस ओ नो? यस ओ नो? ठीक है, अब एक बात देखो, आप इतना नोट कर लो, इतनी चीजें नोट कर लो। कर लिया? मुस्कान जल्दी नोट करो बेटा। बेटा तिशा वो वेक्टर क्वांटिटी थी, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। तिशा जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है, इतनी बात। तो मैंने वहां पर पी कैप लिखा कि क्या पता कौन से वेक्टर कौन से डायरेक्शन में आ रहा हो, ए क्रॉस ए। ठीक है, इतनी बात, इसलिए लिखा है। तिशा गॉट इट?
और बाद में वो जीरो हो गया अपने आप, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। चलो नोट कर लिया सबने। अब एक रूल होता है भाई, ठीक है उसको देखते हैं। बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं बेटा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, रूल क्या है कि आपने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है, जैसे बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते थे, तो तीसरी जेड एक्सिस कहीं भी बना लेते थे। ऐसा ही था कि नहीं था? अगर मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया तो तीसरी एक्सिस कहीं भी बना लेते थे, यस और नो? ऐसा नहीं, एक फिक्स्ड रूल है जिसके हिसाब से आपको चलना है, ठीक है? इतनी बात। अगर आपने 11 12th में वैसा नहीं किया तो आपके सारे आंसर गलत आएंगे, तो आपको 9 10th तक उनकी जरूरत नहीं थी, तो आपका काम चलता रहा, लेकिन अब 11 12th में जरूरत पड़ेगी इसलिए काम चलेगा नहीं। क्लियर है? मैं समझाता हूं कैसे। अब देखो एक मिनट कैसे, ध्यान दो। अगर ये एक्स एक्सिस है, ध्यान सुनना, और ये मैंने वाई एक्सिस बनाया, तो ये आई कैप है और ये जे कैप है। रूल क्या है, अगर मैं आई क्रॉस जे करता हूं बेटा, चलो को पहले आई क्रॉस जे करने से अच्छा है पहले हम कुछ और चीज भी देख लें। आप मुझे बताओ आई कैप क्रॉस आई कैप कितना आएगा बेटा, जल्दी बताओ, आई कैप क्रॉस आई कैप कितना आएगा? जीरो आएगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एंगल जीरो है। वन नहीं आएगा बेटा, आई कैप क्रॉस आई कैप दोनों सेम वेक्टर्स हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि एंगल उनके बीच में क्या हो गया, जीरो। जे कैप क्रॉस जे कैप इज ऑल्सो जीरो, के कैप क्रॉस के कैप इज ऑल्सो जीरो, सेम टाइप के वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब रूल क्या है, ठीक है इतनी बात। काव्या गुरुकुल क्या लिख रहा है भाई, ये काव्या गुरुकुल से है कोई बालक, क्या लिखना चाहता है ये बता दे मुझे यार, ठीक है? हाँ तो टाइप मत करो ऐसी गलती से कोई भी चीज। अब देखो, अब रूल क्या है, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप का मैग्नीट्यूड वन, जे कैप का वन, दोनों के बीच में एंगल 90, साइन 90। अब जरा ध्यान से देखना, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ध्यान से देखो, ये आई कैप है और ये जे कैप है। डायरेक्शन के रूल क्या है, फर्स्ट की तरफ आप क्या रखो, राइट हैंड पाम, फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड पाम रखो इसकी तरफ, और इसको घुमा दो ऐसे। तो जब आप इसे ऐसे घुमाओगे तो अंगूठा किधर की तरफ आएगा, जल्दी बताओ, अंगूठा किधर की तरफ आएगा, बना के देखो कॉपी पे, किधर की तरफ आ रहा है, बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा वेक्टर आएगा वो किधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ, और कौन सा आएगा, के कैप। तो के कैप हमारा कैसा होगा, आउटवर्ड, ये हमारा के कैप है, जेड एक्सिस इधर होगी बाहर की तरफ। बात समझ में आई, जेड एक्सिस किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, क्लियर है? इसी तरीके से दूसरा, जे क्रॉस के, जे का मैग्नीट्यूड वन, तो आई क्रॉस जे क्या आ गया, आई क्रॉस जे क्या आ गया हमारे पास, के कैप। अब जे क्रॉस के, जे का मैग्नीट्यूड वन, के का मैग्नीट्यूड वन, और जे और के बीच में एंगल 90। अब ये भी बनाते हैं बेटा, यहां बना देते हैं, मान लो ये हमारे पास वाई एक्सिस है यानी कि जे कैप, और ये हमारे पास जेड एक्सिस है यानी कि के कैप। अब अगर आप जे क्रॉस के करते हो बेटा, जरा देखो किधर की तरफ आ रहा है, पहले आप डायरेक्शन बताओ, अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है, जे क्रॉस के अंदर आ रहा है बाहर आ रहा है, जल्दी बताओ, जे क्रॉस के अंदर आ रहा है बाहर आ रहा है बेटा, अंदर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, इनवर्ड। तो हमारा एक्स एक्सिस किधर हो जाएगा, ये आई कैप हो गया बेटा, एक्स एक्सिस इनवर्ड आ गया कि नहीं आ गया? तो जे क्रॉस के किसके बराबर होता है, आई के बराबर, और कैसा, इनवर्ड। सावन गोस्वामी साइन 90 क्यों लिया बेटा, एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ये 90 डिग्री है या नहीं, पहले बताओ जरा,
आई कैप और जे कैप के बीच में, सावन है ना, तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर ए क्रॉस बी? ए बी साइन थीटा होता है कि नहीं होता है? सावन, तो थीटा 90 है तो साइन 90 लूंगा भाई, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारे पास, ठीक है, तो जे क्रॉस के क्या आ गया, आई आ गया। अब हम बात करते हैं के क्रॉस आई, के का मैग्नीट्यूड 1, आई का 1, साइन 90। अब एक काम और कर लेते हैं, मान लो ये मेरे पास जेड एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, तो ये के कैप हो गया और ये आई कैप हो गया, ठीक है, इतनी बात। अब के क्रॉस आई करो, किधर आएगा जल्दी बताओ, के क्रॉस आई, सनन मैंने कहा था बिगर एंगल से नहीं करना, आपको कंफ्यूजन होगा, आंसर वही आता है, ठीक है। तो के क्रॉस आई इधर यहां पर किधर आ रहा है जरा बताना, अंदर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज व्हाट, जे कैप वाई एक्सिस, यानी कि के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप, बन गई की बात की नहीं बन गई भाई, बन गई बात, तो नोट कर लो ये सारी चीजें, फिर इसको हम जल्दी से समराइज कर लें, नोट कर लो बेटा, नोट कर लिया, कर लिया नोट, जल्दी करो, जल्दी करो बेटा, नोट करो, पिछले सारे पेज नोट कर लिए थे बेटा, पिछले पेज नोट कर लिए थे, ठीक है, ये वाला पेज नोट करो, हरसिमरन अब कह रहा है I कैप क्रॉस K कैप क्या होगा, माइनस जे होगा बेटा, हमने पढ़ा है A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A, मुस्कान मैंने यही कहा था कि आप एक्स वाई जेड एक्सेस अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, जिधर की तरफ के क्रॉस आई आएगा उधर की तरफ वाई एक्सेस लोगे, जिधर की तरफ आई क्रॉस जे आएगा उधर की तरफ जेड एक्सेस लोगे, जिधर की तरफ जे क्रॉस के आएगा, जे क्रॉस के आएगा उधर की तरफ आई लोगे, सावन क्या डाउट है जल्दी बताओ बेटा, के क्रॉस आई लिखा हुआ है ना, तो के की तरफ पहले आप राइट हैंड की फिंगर्स रखोगे और छोटे वाले एंगल की तरफ से आप क्या करोगे, ऐसे कर्ल करोगे, तो किधर की तरफ अंगूठा आएगा जल्दी बताना सावन, सावन जल्दी बताना बेटा, अंगूठा किधर आएगा, कर्ल करके देखो और अंगूठा किधर आ रहा है, इनवर्ड, वही मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैं जल्दी से, सबने नोट कर लिया तो मैं जल्दी से समराइज करूं चीजों को, और मैं आपको शॉर्टकट भी बताता हूं कैसे आपको याद रखना है, कर लिया नोट शाइना, आपको क्या करना है मेरी बात सुनो, आपने पाम को ऐसे रखना है, ये राइट हैंड का पाम है इस डायरेक्शन में, उंगलियां इधर की तरफ, फिंगर्स इधर, और उन फिंगर्स को आपने कर्ल करना है किधर की तरफ, दूसरे वाले वेक्टर की तरफ, आई की तरफ, तो किधर की तरफ आ रहा है अंगूठा जरा बताना शाइना, अंगूठा किधर की तरफ आ रहा है शाइना, थंब किधर पॉइंट कर रहा है शाइना, इनवर्ड, तो वही तो बोल रहा हूँ, इनवर्ड वाली डायरेक्शन जे कैप की हो जाएगी, ठीक है। अब सुनो, अब रुक जाओ, अब मैं समराइज कर रहा हूँ चीजों को जल्दी से, कर दूं समराइज, कर दूं समराइज भाई, चलो अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब आप लोग कुछ नहीं बोलोगे, पहले सुन लोगे उसके बाद में बात करेंगे, सारी बातें दोबारा से बता रहा हूं। ए डॉट ए, ए स्क्वायर, जल्दी से सोचते जाओ, इसमें कोई डाउट है, किसी को डाउट है, अगर डाउट नहीं है तो एन लिखना, ठीक है। ए कैप डॉट ए कैप इज 1, कोई डाउट है, I cap dot I cap 1, J cap dot J cap
वन, के कैप डॉट के कैप वन, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट आई, सॉरी जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, और ये सारे जीरो। मानते हो या नहीं मानते हो? तिशा बेटा मैंने सब सही लिखा था, और अगर किसी पॉइंट में डाउट तो डाउट पूछ ले, किसी को डाउट है भाई इन सब चीजों में? अगर डाउट है डी लिखो, और नहीं डाउट है तो एन लिखो फटाफट। तिशा मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो लिखा था, डॉट में नहीं लिखा था, ठीक है? रटो नहीं, समझो मैंने क्यों लिखा था, ठीक है? इतनी बात, डॉट प्रोडक्ट में एंगल जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल जीरो होता है, तो साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है? और जहां डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर के बीच में, वहां जीरो आएगा, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है, ठीक है? अब रुको एक मिनट, कोई डाउट नहीं किसी को? चलो अब ध्यान सुनो। अब ए क्रॉस ए कम्स आउट टू बी जीरो, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? कोई डाउट है? डाउट है तो लिखो बेटा, नहीं है तो एन लिखो फटाफट, ठीक है? ए कैप क्रॉस ए कैप, देखो एक ही चीज में कई बार लिखा रहा हूं, ये भी जीरो, ठीक है? कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप, और ये जीरो होगा, ठीक है? अब मैंने एक चीज और बताई आपको, I cap cross J cap is equal to K cap, ये हमेशा ध्यान रखना, J cap cross K cap is equal to I cap, K cap cross I cap is what? J cap। और अगर उल्टा कर दें यहीं पर, अगर हम ऐसा कर दें, J cross I करते हैं तो ये माइनस K आएगा, नेगेटिव Z डायरेक्शन आ जाएगी, क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया था A cross B और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, नेगेटिव होते हैं, याद है? याद है या नहीं? हकीरत क्लियर है, ठीक है? दूसरा के क्रॉस जे क्या होगा? माइनस आई, और आई क्रॉस के माइनस जे। इतनी बात सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट जल्दी से, जितने लोग हैं सब लोग, ठीक है? अब इसको याद करने का तरीका क्या, क्रॉस प्रोडक्ट वाले को याद करने का तरीका है कि आप क्या करो, एक ऐसे सर्कल बना लो, आई जे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, के, अब आई क्रॉस जे क्या देगा? के। जे क्रॉस के क्या देगा? आई, और के क्रॉस आई क्या देगा? जे। क्लियर है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नॉट क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जाओगे तो माइनस वाले आ जाएंगे, ये वाले। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो यस कर दो। भाई मैंने क्या कहा, ये तो पता है ना, यहां पर एक ऐसी सर्कल बना लो, आई जे के लिख लो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, आई क्रॉस जे करते हो, आई क्रॉस जे तो आपको क्या मिलेगा? के मिलेगा। जे क्रॉस के करते हो तो आपको क्या मिलेगा? आई मिलेगा। के क्रॉस आई करते हो तो आपको क्या मिलेगा? जे मिलेगा। अब बात क्लियर है? उल्टा करोगे तो माइनस वाले मिल जाएंगे, इधर वाले, ये वाले मिल जाएंगे अगर क्लॉकवाइज करोगे तो, ठीक है? चलो अब हमें जब भी एक्स वाई जेड एक्सेस बनाने हैं तो ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? ओबे होनी चाहिए। अगर नहीं ओबे होंगी तो आप एक्स वाई जेड एक्सेस गलत बना रहे हो, ठीक है? मैं बना के दिखा देता हूं आपको, चाहे नोटेड डाउन, अगर नोट कर रखा है जल्दी से तो यस लिख दो फटाफट, नोट कर लिया तो यस लिखो, सारी चीजें नोट कर ली, बहुत बढ़िया, जल्दी नोट करो। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। अब आप देखो, एक मिनट मैं बना रहा हूं,
ये मान लो एक्स एक्सेस है और ये मेरा जेड एक्सेस है, यानी कि आई कैप है और ये के कैप है। वाई एक्सेस किधर होगा, बाहर या अंदर? वाई एक्सेस का पॉजिटिव डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? जल्दी बताओ, वाई एक्सेस का पॉजिटिव डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? बेटा जल्दी बोलो। तिशा का आंसर गलत है, शाइना का आंसर गलत, अब सही है। सही, देखो एच, एक एचपी से ऊपर कोई बालक गया है, उसका भी आंसर गलत है। सुधांशु आंसर गलत है। चलो देखो एक मिनट, मैं बता रहा हूं। आपके पास अभी मैंने बताया, अब लिखो नहीं, पहले सुन लो बेटा, आई जे के, आप कर क्या रहे हो, के क्रॉस आई, क्या करना आपने, के क्रॉस आई, के की तरफ हाथ रखो आप, राइट हैंड पाम और फिंगर्स को कर्ल कर दो, किधर की तरफ, आई की तरफ। किधर आ रहा है बेटा, जल्दी बताना। अरे क्या कर रहे हो वंश, अंशुमन, के क्रॉस आई किधर आ रहा है, इसकी तरफ राइट हैंड पाम रखो और राइट हैंड पाम, लेफ्ट मत रख लेना, और इसको कर्ल करो किसकी तरफ, एक्स की तरफ। किधर आ रहा है, आउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, मतलब हमारा वाई एक्सेस पॉजिटिव वाला कैसा है, डॉट, आउटवर्ड आ गया कि नहीं आ गया। अगर आपने इनवर्ड बनाया, एक बात का ध्यान रखना, आपके जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सब गलत हो जाएंगे, एक भी सही नहीं होगा। बात समझ में आ गई, तो अपनी मर्जी नहीं चला सकते आप। क्लियर है, क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। ठीक है, अब हम आते हैं मेन काम पे। ठीक है, नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया तो यस लिख दो फटाफट। चलो अब मेन काम पे आते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशन, फिर हम पढ़ेंगे थ्री डायमेंशन में। तो अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशन, और टू डायमेंशन क्या होता है, प्लेन होता है, दैट इज ऑन प्लेन, हाँ या ना? ठीक है भाई, अब हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऑन प्लेन पढ़ रहे हैं। अभी लिखो नहीं कुछ भी, कोई जरूरत नहीं लिखने की, ठीक है, जब मैं बोलूंगा तब लिखना। तो बेटा हमारे पास कौन सा प्लेन ले लें, एक्स वाई प्लेन ले लें बेटा, एक्स वाई ले सकते हैं, वाई जेड ले सकते हैं, जेड एक्स ले सकते हैं, तो हम एक्स वाई ले लेते हैं। ठीक है, मैं तो यहां पर जेड एक्सेस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक्स वाई प्लेन है। ये हमारा एक्स एक्सेस है, डायरेक्शन आई कैप, ये हमारा वाई एक्सेस है, डायरेक्शन जे कैप। अब मेरे पास एक वेक्टर है, ये दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन लेंथ लेने एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे, इसके प्रोजेक्शन लेंथ लेने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे। कैसे लूंगा बेटा, ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं एक्स एक्सिस पे, ऐसे ही करते थे, ये हमारा ए एक्स हो गया कि नहीं हो गया, इसको ए एक्स कहते थे कि नहीं, याद करो। देखो अभी गुरुकुल वालों ने जिस भी तरीके से पढ़ा होगा वो तरीका टूट जाएगा। यहां पर प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये लेंथ हमारी ए वाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो ए एक्स इज प्रोजेक्शन लेंथ ऑन एक्स एक्सिस, ए वाई इज प्रोजेक्शन लेंथ ऑन वाई एक्सिस, यस ऑर नो, जल्दी बताओ बेटा मुझे, ऐसा है या नहीं? ठीक है, अब ए एक्स, ए एक्स देखो क्या होगा,
एक्स इज ए वेक्टर डॉट आई कैप, ये पढ़ाया था मैंने कि नहीं पढ़ाया था, याद करो, हाँ या ना, ऐसा पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अगर किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है तो वो वाला वेक्टर और जिसके ऊपर लेना है उसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ए वाई इज इक्वल टू ए डॉट जे कैप, यस ओ नो? यस ओ नो? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये आ गया हमारे पास ए एक्स और ए वाई, ठीक है, क्योंकि हमें ए वेक्टर पता, आई कैप पता है, जे कैप पता है, तो ये पूरी तरीके से पता चल गया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने इसको एरो दे दिया, क्या दे दिया? एरो, क्या दे दिया बेटा? एरो, ये बन गया ए एक्स वेक्टर, इसको एरो दिया तो ये क्या बन गया? ए वाई वेक्टर, बन गया कि नहीं बन गया? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बोलो, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब जरा देखो, ये जो ए एक्स वेक्टर बना, इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स है, ये रहा। सावन क्या डाउट है बेटा, जल्दी बताना, सावन डाउट बताओ फटाफट, सावन डाउट क्या है, जल्दी बोलो बेटा, व्हाट इज डाउट, क्या डाउट है, किस चीज में डाउट है, जल्दी बता। वैसे हम इसे क्या वेक्टर, क्या बेटा पूरी बात तो बता, मैं क्यों जल्दी 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 टाइप लिख रहे हैं, हाँ ये कि हम क्यों कर रहे हैं बेटा, मेरा पर्पज है मैं इस ए वेक्टर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट के फॉर्म में लिखूं, मतलब मैं एक्स का जो वेक्टर होगा इसका जितना कंपोनेंट, मतलब जैसे ए वेक्टर कितने एक्स वाले वेक्टर की वजह से बना था, कितने वाई वाले वेक्टर की वजह से बना था, दोनों को लिखना चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एरो लगाया, तो ये अब क्या बन गया, रेजोल्यूशन का मतलब कंपोनेंट ही होता है, खुशी, बिल्कुल सही बात है, रेजोल्यूशन एंड कंपोनेंट आर वन एंड द सेम वर्ड्स, ठीक है, इतनी बात। अब ये हमारे पास क्या है, ए एक्स वेक्टर है, तो इस वेक्टर को मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन आई कैप, इसी तरीके से ए वाई वेक्टर को लिखूंगा मैग्नीट्यूड इनटू जे कैप, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, लिख सकता हूं अगर तो यस लिख दो फटाफट, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं यस लिख दो, बहुत बढ़िया। अरे एक्स परपेंडिकुलर नहीं था, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद एक्स एक्सिस पे जो लेंथ आ रही थी वो ए एक्स था, मैंने कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करा अक्षत, मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो ये जो लेंथ होती है इसको रेजोल्यूशन प्रोजेक्शन लेंथ या रेजोल्यूशन या कंपोनेंट कहते हैं, और उसको निकालने का तरीका मैं डॉट प्रोडक्ट में बता चुका हूं अक्षत, मैंने कहा था जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है वो वाला वेक्टर और जिसके ऊपर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये आ गया। अब सुनो भाई, जो कितनी जल्दी भूल जाते हैं वो अभी दिख जाएगा, एक बात बताओ, ये जो फिगर है ये एक पैरेललोग्राम है या नहीं, पहले बताओ मुझे, ये पैरेललोग्राम है या नहीं, जल्दी बताओ, है पैरेललोग्राम, बिल्कुल है। और अब आप एक चीज देखो, पैरेललोग्राम का एक साइड ए एक्स वेक्टर है और एक साइड क्या है, ए वाई वेक्टर है, हाँ या ना? तो ये दोनों साइड ए एक्स और ए वाई वेक्टर हैं, तो पैरेललोग्राम के दो साइड्स अगर गिवन होती हैं तो उन दोनों का सम किसके बराबर होता है, डायगोनल वेक्टर के बराबर होता है कि नहीं होता है, यस ओ नो? तो हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर इज डायगोनल वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ। अब मजेदार बात देखो, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं भाई। अब गुरुकुला में एक बात बताओ, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ था पहले, मैंने कहीं ट्रिग्नोमेट्री यूज करी गुरुकुल वालों, क्या मैंने कहीं ट्रिग्नोमेट्री यूज करी, करी भाई, नहीं करी है ना,
और शायद करनाल वालों ने भी ये पढ़ लिया था, रेजोल्यूशन पढ़ लिया था ना करनाल वालों, रेजोल्यूशन थोड़ा सा सर ने शायद पढ़ाया था, करनाल वालों को कह रहा हूं, पढ़ाया था सर ने कुछ, फरकीरत कह रहा पढ़ाया था, बाकी लोग पूरा नहीं पढ़ाया था, थोड़ा सा पढ़ाया था ना, और सब लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री यूज करी थी कि नहीं करी थी, करी थी ट्रिग्नोमेट्री यूज? मैं यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने कहीं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ही नहीं लाया मैं, क्योंकि मैं वेक्टर पढ़ रहा हूं बेटा, तो मेरा पर्पज ही वेक्टर है। ठीक है, अब देखो आपने ए वेक्टर को उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के फॉर्म में लिख लिया कि नहीं लिख लिया, पहले बताओ मुझे, लिख लिया ना? ठीक है, अब मुझे इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो देखो जैसे हम पैरेललोग्राम लॉ करते थे, याद करो हम लिखते थे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, याद है? तो आर का मैग्नीट्यूड होता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, यही होता था कि नहीं होता था, याद करो। तो अब यहां देखो ए का मैग्नीट्यूड। अच्छा एक बात बताओ, ax और ay वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 है या नहीं है? तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई कि नहीं हो गई? अरे 90 डिग्री है या नहीं है? अब ए कितना हो गया अंडर रूट इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2ax ay cos 90 कितना, 0? यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो बेटा, बहुत बढ़िया चीज आ गई। ठीक है, देखो मैं ट्रिग्नोमेट्री कहीं छू ही नहीं रहा हूं, इसी को कहते हैं कि भाई थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करो। ठीक है, इतनी बात। अब दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज मुझे एंगल चाहिए था रिजल्टेंट वेक्टर का, उसको अल्फा कहते थे, टैन अल्फा होता था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यस और नो? टैन अल्फा होता था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी, दिशा मुझे इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम करना है, तो फॉर्मूला ये होता था अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2ax ay कॉस थीटा, दिशा, दिशा, ये बात क्लियर है कि नहीं? तो भाई व्हाट इज थीटा बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, कितना एंगल है जरा बताना तिशा, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर के बीच में, जल्दी बता। 90 है तो कॉस 90 क्या हो गया, 0, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आ गया, आ गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन का फॉर्मूला भी होता था, आपने डिराइव कराया पैरेललोग्राम लॉ में, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, याद है? होता था कि नहीं होता था? अब बी कौन है, ए वाई, और ए कौन है, ए एक्स, और थीटा कितना, 90, तो टैन अल्फा, मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज ही नहीं करूंगा, बी कितना, ए वाई साइन 91 अपॉन ए एक्स प्लस ए वाई कॉस 90 दैट इज 0, टैन अल्फा इज ए वाई अपॉन ए एक्स, हाँ या ना? अब एक बात बताओ, क्या मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज करी, क्या मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज करा, नहीं यूज करा, और मैंने आपको ए वेक्टर को ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इतनी बात, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, उसका डायरेक्शन भी निकाल लिया, यस और नो? तो दिस इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन बेटा, अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो रेजोल्यूशन है, और अगर आप इस तरीके से नहीं कर रहे हो तो आप बेवकूफ बना रहे हो अपना भी और हमारा भी सबका, क्लियर है? अरे गुरुकुल वालों बात जमती है, सबको क्लियर है, नोट करो फटाफट। तो ये 2 डायमेंशन में तो हो गया रेजोल्यूशन, अब 3D में पढ़ेंगे। खुशी बेटा ये फॉर्मूला है, टैन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है या नहीं, जल्दी बता खुशी। अब एक बात बता, यहां पर बी की जगह कौन है, ए वाई, और ए की जगह कौन है, ए एक्स, और थीटा कितना है, 90, खुशी ये बात क्लियर है कि नहीं है? ये वैल्यूज डाल दे, बी की जगह डाल दे ए वाई साइन 91 अपॉन ए एक्स प्लस ए वाई कॉस 90, 0, यही आएगा कि नहीं आएगा टेन अल्फा? बेटा अभी तक आपने वेक्टर्स को ऐड करना सीखा है बाय पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखा है, मल्टीप्लाई करना सीखा है, वो डायरेक्ट रिजल्ट्स थे शाइना। ठीक है, इतनी बात, ठीक है,
हम रेजोल्यूशन मतलब हम थोड़ा सा और एक और मेथड जानना चाहते हैं, उसके लिए हम रेजोल्यूशन पढ़ रहे हैं शाइना। ये बात क्लियर है शाइना? पहले शाइना से बात कर लूँ, तिशा फिर तुझसे करता हूँ, ठीक है? तो हम अभी और भी मेथड्स निकालेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के। अब तिशा की कहानी है कि उसे ये चीज समझ नहीं आई। लड़की एक बात बता, ए वेक्टर इन दोनों वेक्टर का सम है या नहीं है? तिशा, ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर का सम है या नहीं है? ठीक है, और ए एक्स का मैग्नीट्यूड ये है या नहीं है? तिशा, ये जब दो वेक्टर का सम करना होता है तो दोनों के क्या पता होना चाहिए? मैग्नीट्यूड पता है दोनों के? मैग्नीट्यूड पता है तिशा, है ना? तिशा पता है ना? हाँ, और दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए थीटा, वो कितना है यहाँ पर थीटा? तो लड़की ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? इस फॉर्मूले में जरा ए की जगह ए एक्स डाल दे, बी की जगह ए वाई डाल दे, और थीटा की जगह 90 डाल दे, ये आ जाएगा। तिशा तिशा अब बात क्लियर है? निपट गई लड़की, आई नहीं रही है दोबारा। तिशा जरा डाल के देख, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2 AX AY कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? 0, तो ये बचेगा। तिशा बेटा बात हो रही है या नहीं? ठीक है, चलो आज हम यहीं छोड़ देंगे इसको, ठीक है, कल करेंगे बाकी सब। क्लियर है? क्लियर है भाई? कल 3D वाला करेंगे और फिर उसके बाद तुरंत हम 1D में आ जाएंगे। क्वेश्चन बाद में करेंगे गुरुकुल वालों, क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, चिंता ना करो, ठीक है? चलो कर लीजिए।